नमस्कार दोस्तों दोस्तों रेलवे द्वारा आज 17 मार्च 2018 को एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप सभी के लिए काम की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 90,000 पदों पर ग्रुप डी लोको पायलट और टेक्नीशियन की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जी हां दोस्तों, क्योंकि अभी तक जो आवेदन है 1.5 करोड़ तक आवेदन कर चुके हैं विद्यार्थी, और उम्मीद है कि ये आंकड़ा 3 करोड़ के पार जाने वाला है। तो दोस्तों आप सभी के लिए रेलवे ने बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आपने ये नोटिफिकेशन नहीं देखा, ना सुना, ना पढ़ा, तो दोस्तों आप सभी खतरे में आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान लाइव न्यूज़पेपर में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 आरआरबी ने 90,000 पदों के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों को किया सावधान, जाने क्या कहा। तो दोस्तों ये 17 मार्च 2018 की खबर है, जिसमें 2:56 पर ये खबर आई है। तो दोस्तों इसकी ओर आगे चलते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाइए, और बेल के आइकन को जरूर दबाइए, जिससे हम जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे रेलवे भर्ती से जुड़ा हुआ, जो भी अपडेट हम आपको देंगे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो को देखने के बाद उसे आप इस लाइक के थंब बटन को जरूर दबाइएगा, और दोस्तों में इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे इसकी जानकारी सभी आपके फ्रेंड्स को मिल जाए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आज का माइंड कुछ क्वेश्चन है कि मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है आकाश, वायु, जल या भोजन। तो दोस्तों फटाफट से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए और बन जाइए सबसे स्मार्ट व्यक्ति। चलिए दोस्तों, रेलवे ने ये नोटिफिकेशन जारी किए हैं, आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है, जिसमें रेलवे बता रहा है कि आप लोगों के लिए जो अलर्ट है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस बार जो लंबे पैमाने पर भर्ती हो रही है, उस प्रक्रिया के अंदर आप लोगों के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाए, क्योंकि वो क्या है न्यूज़ वो मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में निकली 90,000 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन कर रहे युवाओं को रेलवे भर्ती बोर्ड ने ठगों से सावधान किया है। जी हाँ दोस्तों रेलवे ने अपनी वेबसाइट और तमाम अखबारों में विज्ञापन जारी कर उम्मीदवारों को संदेश दिया है कि वे रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वालों लोगों को झांसे में ना आए। रेलवे ने कहा कि रेलवे भर्ती परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटराइज है, सिलेक्शन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा, चयन प्रक्रिया में मैनुअल कुछ भी नहीं होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी बिना किसी गड़बड़ी और पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन है। मुजफ्फरपुर रेलवे भर्ती बोर्ड ने भी उम्मीदवारों से कहा है कि आप रेलवे में नौकरी योग्यता के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी योग्यता पर ही रेलवे में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष है, चयन सिर्फ योग्यता के आधार पर ही होगा। जी दोस्तों, और भी खबरें हैं। आरआरबी ने कहा बेईमानों, दलालों, ठगों से सावधान रहें, जो गैरकानूनी तरीके से नौकरी दिलाने के लिए झूठे वादे करके उम्मीदवारों को गुमराह कर सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ना तो कोई कोचिंग क्लास संचालित करता है, ना ही संदर्भ में किसी के लिए पुस्तक का सुझाव देता है। जी हाँ दोस्तों, भर्ती का या ट्रेनिंग के लिए किसी व्यक्ति या एजेंसी का प्राधिकृत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई बोलता है कि रेलवे में भर्ती के लिए यहाँ पर कोई रेलवे द्वारा कोचिंग क्लास की जा रही है, या फिर कोई एजेंसी है जो कि रेलवे की तैयारी करा रही है, तो दोस्तों आप उस झांसे में ना आना, आप वहाँ पर ना तो पैसे देना, ना वहाँ से उनसे संपर्क बनाना। तो दोस्तों रेलवे बहुत बड़ी आपको खबर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है लंबे पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। और यहाँ पर और भी जानकारी है, क्या करें अगर कोई जालसाज आपको रेलवे में नौकरी दिलाने का ऑफर देता है। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत काम की खबर है, फौरन अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं। और दूसरी सलाह के लिए 01722730093 पर भी कॉल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों आप ये नोट डाउन कर लीजिए नंबर, अगर आपको कोई भी रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए बोलता है, अप्रोच की बात करता है, तो दोस्तों आप इस नंबर पर फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सकते हैं, जो कि ये रेलवे का ऑफिशियली नंबर है, इस साइट पर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नंबर नोट कर सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 01722730093 पर आप कॉल कर सकते हैं, और या फिर अधिक जानकारी के लिए rrbcdg.gov.in पर भी आप लॉगिन करके इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार जो है 3 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला है इस 90,000 भर्ती का। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी सावधान रहें, अपनी मेहनत पर आप विश्वास करें और तैयारी के साथ लगे रहें, क्योंकि ये भर्ती
करियर लंबे पैमाने पर है, आप लोगों के लिए ये अवसर बार बार नहीं आएगा, तो आप किसी के भी बहकावे में ना आए। आप अगर बहकावे में आते हैं तो आप अपना समय बर्बाद करते हैं और आपका पैसा भी बर्बाद करेंगे, क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हैं या आप कोई दर्ज कर जाती है कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी रिपोर्ट दर्ज की जाती है, तो आप भी फंसेंगे, साथ में वो आदमी भी फंसेगा। तो दोस्तों साफ साफ यहाँ पर रेलवे ने डिक्लेयर कर दिया है कि आप किसी भी दलालों के झांसे में ना आए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों रेलवे द्वारा जो भी अपडेट आती है वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको पल पल की खबरें आपको अपडेट की जाती है हमारे चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे आप शेयर कीजिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन सभी दोस्तों में आपको मिल जाए। और दोस्तों लाइक के इस बटन को वीडियो के नीचे जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।